हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 22 नवंबर शुक्रवार का दिन है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, व्यापार करियर उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। मित्रों, आज आप कौन से क्षेत्र में कार्य करें जिससे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान, स्कृति में वृद्धि हो सके, साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए क्या करें क्या ना करें, आज आपको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी परिस्थितियों का आप सामना करोगे और आज आपके जीवन में कौन सी खुशियां आने वाली हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, आज आपको बताना चाहेंगे कि काम में आपका मन लगेगा, अपने मूड स्विंग को नियंत्रित करने में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आज आपके व्यापार में काफी हद तक आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। मित्रों, आज आपके परिणाम आपके पक्ष में होंगे, आप भावनात्मक रूप से अलग अलग महसूस कर सकते हैं और इस पर आप पार पाने के लिए अपने मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित रहेंगे लेकिन खर्चों का दबाव अधिक रहेगा। आत्मविश्वास के साथ काम करना जारी रखें, परिवार में सद्भाव स्थापित रहेगा और बच्चे आप पर गर्व करेंगे। निर्यात और आयात से जुड़े लोगों के लिए आज यात्रा संभव है। व्यावसायिक संदर्भ में अपने आप को साबित करने के लिए आज का आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वरिष्ठों को खुश करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव जो है वो आपकी सफलता की कुंजी रहने वाली है। सुनिश्चित करें कि कोई आपका विरोध न कर पाए, अन्यथा कठिन निर्णय आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकते हैं। कयासों के लिए समय काफी ठीक रहेगा। जीवन साथी के गैर जिम्मेदारियों व्यवहार चलते पारिवारिक जीवन अशांतिपूर्ण हो सकता है। भाई बहनों के साथ तर्क आपको काफी उदास कर सकता है और आप असहाय महसूस कर सकते हैं। ठंड या कुछ अन्य अवरोधक बीमारियों के खिलाफ अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना आपको आज के दिन चाहिए। मित्रों, इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज व्यावसायिक रूप से एक अच्छा समय है, आर्थिक लाभ भी आपको शुभ मिल रहेगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे और उसके बाद भी आपको बताना चाहेंगे कि उनमें कुछ तो देरी हो सकती है लेकिन आपके दैनिक क्रियाकलापों में आप अपने परिवार के सदस्यों को और भागीदारी और प्रसन्न महसूस करोगे। नए नौकरी चाहने वाले व्यक्ति उनको विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में अच्छे पद को प्राप्त करेंगे। जो लोग सफलतापूर्वक नौकरी कर रहे हैं उन्हें समय पर पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है। शिक्षण के जो भी जातक जुड़े हुए हैं उनको अच्छी प्रगति संभव है, रुचि के विषय में आपका ज्ञान बढ़ेगा। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में चमकेंगे और नवीन तरीकों से समस्याओं को सुलझाने की आपकी जो विशेष प्रतिभा के लिए पहचान हासिल करने वाले हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है और अच्छा उत्थान या पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी जबकि आपके खर्चे घटेंगे। मित्रों, बचत आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा देगा और आपके पारिवारिक जीवन आरामदायक और सुखद रहेगा। आपका जीवन साथी बहुत प्रेम करने वाला और देखभाल करने वाला होगा। मित्रों, आज अगर आप विवाह तुल्य हैं तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है, आपका विवाह पक्का हो सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आज आपकी लव लाइफ भी काफी हद तक बेहतर रहेगी और आप जो हैं आज कहीं घूमने जा सकते हैं। आप आपको बताना चाहेंगे कि आज जो है आप बेफिजूल की बातों पर किसी से बात विवाद ना करें और ना ही किसी से झगड़ा लड़ाई करें। मित्रों, हो सकता है बॉस आपसे आज नाराज रह सकते हैं। आपको कार्य करने की आपकी कार्यशैली जो है वो बॉस को नजरअंदाज और उनको पसंद ना आए, इसलिए अपने कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव आपको जरूर करना चाहिए। मित्रों, आज आपको किसी से वाद विवाद या अनजाने व्यक्ति से आपको मुंह लड़ाई नहीं करना है। मित्रों, जितना हो सके उनके साथ विनम्र भाव से पेश आए, जितना हो सके लगाव लगाएं, इससे आपका मान या स्कृति में वृद्धि होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। मित्रों, आज का दिन बेहतर बने इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जय मां।